दोस्तों, मैं अनुपमा पांडे आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं होली के गुजिया के लिए खोआ बना रही हूँ घर पर। ठीक है, ये फुल क्रीम का दूध है। ये देखिए, ये 2.5 लीटर, ये देखिए ये दूध है, आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ मैं, और ये खोआ बनने वाला है। ठीक है, आप सभी से कहना चाहूँगी खोआ घर पर ही बनाने का प्रयास करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-1.5 घंटे आपको खड़ा रहना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल तेज करके आँच पे कंटिन्यू ऐसे घुमाते रहेंगे तो ये जलेगा भी नहीं और जल्दी बन जाएगा, बहेगा भी नहीं। एक दूध में उबाल आने दें, उसके बाद 2 मिनट के लिए धीमा कर दें और फिर आराम से ऐसे बनाते रहें, लगातार बनाते बनाते। आपको दिख रहा होगा ये रबड़ी जैसा बन चुका है। अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, 2.5 लीटर दूध है, उससे अच्छा खासा अमाउंट में आपको खोआ घर पर ही मिल जाएगा। तो होली की गुजिया के लिए घर पर खोआ बनाए, बाहर बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ सामान बेच रहे हैं, कोई भी डिश हो आपको बिल्कुल भी शुद्ध नहीं मिलेगा। वो क्या डालते हैं अपने मन से कुछ पता नहीं चलता। तो मैं तो कहूँगी कि थोड़ा मेहनत करें, बाहर से ख़रीदना छोड़कर जब आप गुजिया बनाएं, जब इतना मेहनत आप कर ही रहे हैं, मसाला बना रहे हैं, मैदा लगा रहे हैं, उसमें कितना मुश्किल होता है। तो प्लीज़ 1-1.5 घंटे लगा कर ये घर पर बनाएं। अपने परिवार के सेहत के लिए आप इतना करते हैं, ये भी ज़रूर करें। ये देखिए, ये मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट और मुझे गरम करना है और एकदम परफेक्ट वाला खोआ मिल जाएगा। मैं चला कर दिखाती हूँ अभी आपको, खोआ बनता हुआ देखेंगे आप। मीठा चाहिए तो इसमें चीनी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, हाँ, लेकिन जब इसको कंटेनर से, कढ़ाई से दूसरे में डालना हो, किसी और बर्तन में कढ़ाई खाली करने के लिए, तो इसे गरम गरम ही निकालें, अन्यथा ये चिपक जाएगा, ठीक है, जम जाएगा। तो अभी देखिए आंखों से कैसे खोआ बनेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं इस यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ, बहुत ज़्यादा सूखा नहीं करूँगी, अब इसकी छींटे आने लगी हैं। ठीक है, आप जल सकते हैं इसलिए गैस थोड़ा कम करके चलाएं, और अब इसे इतने ही स्टेज पर निकालूंगी मैं, अब इससे ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये बन चुका है खोआ आपका, जिसको रबड़ी जैसा खाना हो वो इसमें चीनी मिला ले, बहुत टेस्टी लगेगा। और खोआ लोग ऐसे भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है गुजिया में डाल के, ऐसे भी लड्डू वगैरह आप बनाएं तो उसमें मिक्स करने के लिए घर पर ही बनाए खोआ, बहुत आसान है। 11:30 बजे से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अभी आप घड़ी में अपने टाइम देख सकते हैं, 12:30 के लगभग हो रहा होगा या 1। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे कंटेनर में निकालूंगी ताकि इसको साफ़ कर सकूँ आराम से। तो आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। बहुत आसान है, घर पर ही बनाएं खाना, कोशिश करें बाहर से कम लाना पड़े। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान करें, बहुत मन हो तभी बाहर खाएं, अन्यथा बाहर नहीं खाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।